हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ मैं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए, टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन से मिरेकुलस चेंजेस आने वाले हैं, कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे मिरेकल्स आ रहे हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। तो देखेंगे रीडिंग में। वैसे भी टाइम बहुत अच्छा शुरू होने वाला है और न्यू मून भी आ रहा है, तो न्यू मून पर तो रीडिंग मैं स्पेशल करूंगी ही अलग से। लेकिन अभी जानते हैं कि कौन से मिरेकुलस चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है। शुरू करने से पहले गाइस, हमेशा की तरह मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग भी टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं आराम से। देख लेते हैं कौन से मिरेकुलस चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। पहले ही हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं इन्हें। परसेप्शन, सेल्फ वर्थ, एनलाइटनमेंट एंड फेथ। वाओ, चारों ही कार्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और देखते हैं क्या आता है। ओके, वाओ, वी हैव दिस कार्ड मिरेकल। कुछ ना कुछ मिरेकल तो गाइज आ ही रहा है, इतना कर्मा कर चुके हो, इतना एफर्ट्स लगा दिया है, अब रिजल्ट तो आएगा ही ना। तो मिरेकल आ रहा है आपके आपके लाइफ में। मिरेकुलस चेंजेस होंगे, 100% होंगे। जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में तो होंगे ही होंगे। सेल्फ वर्थ आ रहा है, एनलाइटनमेंट होने वाला है, परसेप्शन कितना सही है आपका, डिस्पोंडेंस, इंस्टिंक्ट, कंप्लीशन। ओके, हो सकता है कोई फेज कंप्लीट होगा, नए फेज में जाने वाले हो जहाँ पे आपको मिरेकल देखने को मिलेगा। ग्रीफ, इस दुख से दर्द से बाहर निकलने वाले। ओ वाओ, एंड वी हैव अबंडेंस, सोलमेट, परसिवरेंस, ग्रैटिट्यूड। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखो, कंप्लीशन के नीचे ही ग्रीफ का कार्ड है ना, तो हो सकता है ग्रीफ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से, दुख दर्द खत्म हो रहे हैं, टेंशन खत्म हो रही है, एनजाइटी खत्म हो रही है। ये भी एक मिरेकल से कम नहीं है। अगर ये चीज़ें खत्म हो रही है तो ये तो मिरेकुलस चेंजेस में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, फेथ है आपको कि आपकी लाइफ चेंज होगी। आप खुद खुद पर भी फेथ है आपको कि आप अपनी लाइफ चेंज करके ही रहोगे, बिकॉज सेल्फ वर्थ अचीव करने में लगे हुए हो, परसेप्शन बहुत अच्छा है, एनलाइटनमेंट आपका हो रहा है, आप अपनी कॉन्टिन्यूसली हीलिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। राइट नाउ यू आर वेरी इंट्यूटिव, और जो आपकी इंट्यूशन है वो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। कहीं कहीं पर आप थोड़ा ट्रैक पे से हट जाते हैं अपने, क्योंकि ह्यूमन हो तो डेफिनेटली गाइस एनर्जी अप डाउन होती है, इट्स ओके। लेकिन आप खुद को संभालते हो और आगे ही बढ़ने की सोचते हो। मुझे जो आपकी पर्सनालिटी दिख रही है वो कुछ इस तरह से है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो, डरते नहीं हो उनसे। ये एक बहुत मेजर एक क्वालिटी है आपकी, फेथ रखकर, भगवान पे ट्रस्ट कर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो आप। लेकिन एक छोटी सी कमी दिख रही है, लेकिन स्लो वर्क करते हो बहुत, ये चीज़ दिख रही है आपके अंदर। जल्दी जल्दी नहीं करते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, किसी भी चीज़ को लेकर बार बार सोचना, सोच में ही खो जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ये आपको आपके काम को करने से रोकता है। यहाँ पर आपको अभी भी थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। फिर बाद में पछताते भी, अरे टाइम निकल गया, टाइम से कर लेते, पछतावा होता है फिर आपको। क्यों पछताना, किस लिए? अब जब इतना आगे आ गए हो तो इन चीज़ों को भी ठीक कर लो, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता बहुत डिले होने वाला है आगे। मुझे लगता है जल्दी ही आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ रहा है। चलो, अगर मैं लव लाइफ ना भी देखूं यहाँ पर, अगर मैं आपका करियर ही देखूं, तो ये करियर में अबंडेंस हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। और सेल्फ वर्थ, यानी कि आपको जॉब, नौकरी, स्टडी, वीज़ा या फिर कोई हायर डिग्री, ये मिलने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, मिरेकल होते हुए दिख रहा है। ये मिरेकल आप अचीव कर सकते हो बहुत जल्दी। लगे रहो अपने काम में, जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस आ रहा है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल रहा है।
क्योंकि आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी, बर्डन खत्म हो जाएगा, अपने सोल पार्टनर से अच्छे से बात कर सकोगे टेलीपैथिकली भी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है ना, एक चीज़ पर फोकस नहीं लग पा रहा है। अभी तो ये हो रहा है कि वर्क में भी बिजी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वर्क ठीक हो जाए, लेकिन पार्टनर साथ साथ माइंड में है तो थोड़ा वहाँ से डिस्ट्रैक्शन होता है। बहुत मुश्किल टाइम होता है सेपरेशन में अपने वर्क को संभालना, क्योंकि एक तरफ हमें हमारे पार्टनर याद आते हैं और दूसरी तरफ हमें हमारा काम भी करना है। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है ये, लेकिन इसी को तो कहते हैं ना लाइफ और लेसन्स लाइफ के, यही तो हैं। राइट नाउ तो बहुत इंट्यूटिव हो, क्रिएटिव हो और अच्छा ही कर रहे हो आप में। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं या फिर ट्विन फ्लेम कोच भी हैं, बिकॉज क्रिएशन का कार्ड है ये, मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो लोगों को गाइड करते हो आप हो यहाँ पर। तो यस, आपकी एनर्जी काफ़ी हाई हो चुकी है, मुझे जो जिस तरीके से मैं यहाँ देख रही हूँ, काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हो और यू नो कि आपको आगे क्या करना है वेरी वेल। तो अपने इनर वॉइस को ही आपको फॉलो करना है। आपकी लाइफ में यू नो बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है और जो चीज़ें आप वर्क में मैनिफेस्ट कर रहे हो स्पेशली वो आप तक पहुंच रहा है, सेल्फ वर्थ आ रहा है आपके पास। अगर बहुत टाइम से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था काम में तो वो भी होगा, ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी ओवरऑल एक फेज ख़त्म हो रहा है गाइस, कंप्लीशन का कार्ड है, इससे खूबसूरत कार्ड नहीं हो सकता और ये आपकी ग्रीफ को ख़त्म कर रहा है। जिस तरीके से फेथ रखा है डिवाइन पे ऐसे ही रखिए, बिकॉज यही है आपके एक की, आपकी सक्सेस की, आपकी हैप्पीनेस की। डिवाइन के हाथों में आपकी पूरी ज़िंदगी है, वो चाहे तो सेकंड्स में आपको ठीक कर सकते हैं, आपकी लाइफ ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें कर्मा करने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं, उसी के बिहाफ पर हमें हमारा रिजल्ट भी मिलता है। तो जिस तरीके से कार्ड्स यहाँ पर हैं, मुझे लग रहा है आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छा कर रहे हो और बटरफ्लाइज दिख रही है, यस बटरफ्लाइज दिख रही है, मिरेकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चलो कुछ लव लाइफ से रिलेटेड अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो देख लेते हैं, अभी यहाँ तो कुछ नहीं आया ऐसा लव लाइफ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड लेकिन आया है। एक बार यहाँ से लव लाइफ के लिए पता कर लेते हैं क्या कंडीशन है लव लाइफ की। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा हुआ है लव लाइफ में, तो आपका आपके पार्टनर ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है आपको। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डिले पे ही रखा हुआ है, वेट पे रखा हुआ है आपको, एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये सरेंडर किया हुआ है कनेक्शन और ये बिल्कुल डिले है, वेट है, सरेंडर कर दिया कनेक्शन और आपका दिल टूटा हुआ है। दिल क्यों टूटा हुआ है गाइस, तभी तो काम में आपके मन नहीं लग पा रहा है। कोई नहीं, ये मिरेकल हो सकता है कि आपके इस हार्ट को हील करे और आपके पास सेल्फ वर्थ आ रहा है, इसका मतलब काम तो आप अच्छे से कर लोगे, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जस्टिस मिलेगा आपको, जस्टिस डिवाइन करेंगे, एक मिरेकल भेजेंगे आपकी लाइफ में। कब तक सहोगे आप ये सब कुछ। किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इस पर्सन को आने वाले टाइम में कुछ क्लियरिटी मिल जाए इस कनेक्शन के रिगार्डिंग और ये समझ जाए इसे करना क्या है, डिवाइन चाहती क्या कराना। ये पर्सन अपने ही हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, अपने पर्सनल इश्यूज को ठीक करने में लगे हुए हैं, पर इसको रिग्रेट बहुत है आपसे दूर होने का, आपको आपसे बात ना करने का, इन सारी चीज़ों का रिग्रेट भी है इसको, ऐसी बात नहीं है कि रिग्रेट नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ट्स, पर इसमें ईगो बहुत है अभी भी, इमेच्योर है ये पर्सन अभी भी। फीलिंग्स इतनी अच्छी होते हुए भी आपके लिए यू नो इसको घर बनाना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ लाइफ पार्टनर अगर कोई चाहिए तो आप जैसा, लेकिन फिर भी डिले कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, करे तो करे क्या। लव लाइफ में तो गाइज ये मिरेकल होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन यस आपके वर्क में होते हुए दिख रहा है, आपके वर्क एरिया में सेल्फ वर्थ आते हुए दिख रहा है, आपकी सोल एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है, आपकी सोल एनलाइट होगी, फेथ बढ़ेगा डिवाइन पर, एक फेस से बिल्कुल बाहर हो जाओगे, वहाँ कोई ग्रीफ नहीं होगा, दुख दर्द नहीं होगा,
ये सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, मतलब कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ये इम्प्रूव होगी, जो चीज़ें यहाँ मैं देख पा रही हूँ। लव लाइफ में तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि सरेंडर भी किया हुआ है इस पर्सन ने इस कनेक्शन को, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स का ट्रस्ट इश्यूज भी बता रहा है, और एज वेल एज डिले बता रहा है। यहाँ तो कोई मिरेकल नहीं दिख रहा अभी होते हुए। देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड करने वाले हैं आपको, क्या कहेंगे। लेट्स सी, शेयर योर पॉन्टाइज, यू हैव इनफ फॉर यू, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू। मे बी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है गाइज, आपको उसे शेयर करने की जरूरत है। अब आप देख लो क्या है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा। लव, मनी, फूड, केयर, क्या है आपके पास एक्स्ट्रा जो आपको शेयर करने की जरूरत है? या तो आपने शेयर कर दिया है या फिर आपको करने की जरूरत है। रिमेंबर दैट गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? मोहब्बत, प्यार, तो प्यार दें दूसरों को, अपनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने रिलेटिव्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। बट आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, या तो इनफ है या फिर कुछ एक्स्ट्रा है, ये गाइडेंस आ रही है। टाइम टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है गाइज। सेम सिचुएशन में नहीं खड़ा होना। फॉलो द पाथ डेस्टाइन फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। द डिज़ायर चेंज विल कम, द डिज़ायर चेंज विल कम। जो डिज़ायर चेंज चाहते हो, जो चेंज आप चाहते हो, वो आएगा आपकी लाइफ में। टाइम टू मूव ऑन, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। यस, लॉ ऑफ कर्मा, जो आपने जैसे कर्म करे हैं वही आपको आप तक आएगा। अच्छा किया तो अच्छा ही आएगा, डोंट वरी गाइस। डिवाइन से अच्छा कुछ कोई नहीं जानता आपके बारे में। जो भगवान को पता है वो आपको भी नहीं पता है। पर यस, आपका हक है, आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी में, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये आपका भी राइट है, हक है। तो आप डिवाइन को अपनी प्रार्थना में ये सारी बातें बोलिए, आपको चाहिए क्या। चैरिटी, पेशेंस, डिवाइन तो कह ही रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बिलीव भी रखिए, थोड़ा विश्वास कीजिए। हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो। एक्ट नाउ, आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है और फेथ रखने की ज़रूरत है। तो आपकी जो पेन है, जो दुख दर्द है, जो डिफिकल्टीज हैं, वो दूर कर देंगे डिवाइन, अगर आप फेथ रखते हैं उन पर। गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर, जो आप मांग रहे हो ना वही आपको देना भी है। ये दूसरी बार आ गया कार्ड, देखो। गिव वॉट हैज बीन आस्क्ड फॉर, एंड पेशेंस के लिए बोल रहे हैं। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड, जो भी एक्शन आप लोगे, जो अब तक ले चुके हो और आगे जो लोगे, उस उन सबका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लव विल फॉलो, हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। और ये वर्क में तो चेंज आ ही रहा है, इतना बड़ा मिरेकल आ रहा है, सेल्फ वर्थ आ रहा है आपके पास, आपकी डिफ़िकल्टीज खत्म हो रही है, आपका ग्रीफ खत्म हो रहा है, टेंशन खत्म हो रही है। रही बात आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पर अभी आपको थोड़े से कर्मा और करने हैं, जिससे कि आपको आगे लव लाइफ में भी मिरेकल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो गाइडेंस आई है आप इसे फॉलो कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और कुछ टाइम के बाद फिर से इस टॉपिक पर रीडिंग होगी और देखेंगे फिर लव लाइफ के लिए कोई मिरेकल आता है या नहीं आता है, ठीक है। गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।